सो ए व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार हाँ, मैं वापस आ चुका हूँ यार एक और नए वीडियो के साथ, और आज का वीडियो का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो यार, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था यार टॉपिक के बारे में, और मैंने मन में ख्याल आया कि अब तक मैंने यार गैलार रीजन पे कौन सी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया। सो मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक गैलार रीजन के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है यार आज के वीडियो का, वो है टॉप 5 पोकेमॉन ऑफ गैलार रीजन। तो यार मतलब इस लिस्ट में बहुत ही अनोखे पोकेमॉन्स है, यानी कुछ स्टार्टर पोकेमॉन्स भी है, और बहुत ही ओपी वीडियो होने वाला है क्योंकि यार लिस्ट भी बहुत तगड़ी बनाई है मैंने। तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना तुम लोगों को कैसा लगा। और ये गाइस एक और चीज़, जो भी लिस्ट में पोकेमॉन्स आ रहे हैं वो भाई गाइस मेरे फेवरेट्स हैं। मतलब अब तक मतलब 10 पोकेमॉन्स निकले, उसमें से 5 मैंने लिए हैं। सो यार तो रेडी रहो लिस्ट के लिए। तो चलो यार, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाओ नवाना, ताकि मेरे लेटेस्ट से लेटेस्ट अपलोड्स तुम लोग को पता चले। सो गाइस लेट्स गेट स्ट्रेट ऑन द वीडियो। सो गाइस, जो पोकेमॉन नंबर 5 की पोजीशन पे आता है उसका नाम है ग्लॉसिफर। दोस्तों यार अगर इसका नाम मतलब गलत लिया ना यार मैंने, तो मतलब प्लीज़ इसका प्रोनाउंसिएशन बता देना अगर बता पाओगे तो। और ये है ग्रास टाइप। सो यार ये बेशक एक इवॉल्व पोकेमॉन है, हाँ ये इवॉल्व पोकेमॉन है। तो यार इसको मैंने इस लिस्ट के नंबर 5 स्पॉट पे इसलिए रखा है यार, क्योंकि मेरे को इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा यार। और मतलब अभी कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया है इन पोकेमॉन्स के बारे में, बट इनकी डिज़ाइन बहुत ही ऑसम है यार, जिसके अगर बाकियों की डिज़ाइन की तरफ लेते हैं। सो इसके तरफ भी कंपैरिजन वीडियो आएगा अलग सा, बट मैंने ग्लॉसिफर को इस लिस्ट में नंबर 5 का स्पॉट दिया हुआ है। सो गाइस यार नंबर 4 के स्पॉट पे जो पोकेमॉन आता है, यानी दोस्तों क्लियर कर रहा हूँ, नंबर स्पॉट पे मैंने एक नहीं बल्कि 2 अलग पोकेमॉन्स को रखा है, जो है ग्रोकी और स्कॉर्बनी। दोस्तों यार मैंने इन दोनों को इसलिए रखा है यार क्योंकि मेरे को ये दोनों पोकेमॉन बहुत ही पसंद आए, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग पोकेमॉन है यार ये दोनों। एक्चुअली गैलार रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन है, तो मतलब इन्हें बहुत ही अच्छे से मतलब क्रिएट किया, मतलब डिज़ाइन किया है, इनकी डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छा है और उनकी टाइप भी बहुत अच्छा है। तो यार जो ग्रोकी है वो हमारा ग्रास टाइप पोकेमॉन है, और इनका कोई भी इवोल्यूशन अब तक मतलब ये बताया नहीं गया है। और जो स्कॉर्बनी है वो है फायर टाइप। और दोस्तों स्कॉर्बनी की एक और एक इन्फॉर्मेशन बताई थी कि बाद में इवॉल्व होने के बाद वो डुअल टाइप का होने वाला है, और वो या तो होगा फायर प्लस इलेक्ट्रिक टाइप, वरना होगा फायर प्लस फाइटिंग टाइप। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ग्रुप किया स्कॉर्बनी को अपने लिस्ट में नंबर 4 का स्पॉट दिया है। सो जो पोकेमॉन नंबर 3 की स्पॉट डिजर्व करता है इस लिस्ट में यार, उसको वो और एक स्टार्टर पोकेमॉन है गैलार रीजन का, यानी वाटर टाइप स्टार्टर है सॉबल। दोस्तों यार सॉबल को इस लिस्ट में नंबर 3 की स्पॉट इसलिए दिए यार क्योंकि उसके बाद बहुत ही स्पेशल एबिलिटी है जो हमारे कैंटो रीजन के वेपोरियन में भी है, जो कि है इनविजिबिलिटी यार, कि वो पानी में जाने के बाद यार वो इनविजिबल हो जाता है, या फिर कह सकते हो यार ट्रांसपेरेंट हो जाता है वो। मतलब वो अगर ऐसी चीज़ होगी तो यार मतलब बैटल्स पे भी बहुत ही अच्छे से काम आएगी अगर ऐसा पोकेमॉन तुम्हारे पास होगा तो। यानी अगर तुम्हारे पास मतलब तुम एक वाटर टाइप बैटल कर रहे हो यार, तो ये पोकेमॉन तुम्हें बहुत ही एडवांटेज दे सकता है यार। और इसकी बनावट सॉरी क्रिएटिविटी भी कह सकते हो यार, और तुम लोग इसे डिज़ाइनिंग भी कह सकते हो यार, डिज़ाइनिंग भी बहुत बढ़िया की है। मुझे यार इंटरेस्ट है यार इन तीनों स्टार्टर्स के इवॉल्व फॉर्म देखने का, मतलब उसके ऊपर रिव्यू वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। सो मतलब स्टे ट्यून्ड रहना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसलिए नंबर 3 पे सॉबल को रखा है। सो दोस्तों नंबर 2 के स्पॉट पे जो पोकेमॉन आता है, अब यार इसका प्रोनाउंसिएशन गलत लिया मैंने तो यार माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इसे बहुत टाइम से प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो है ड्रेडनॉ, या फिर तुम लोग जो भी है यार, मतलब कमाल पोकेमॉन है यार, मतलब अब तक देखा हुआ सबसे ऑसम पोकेमॉन है, ऑसम यार। भले इसका टाइपिंग गलत हो यार कुछ भी हो, बट
इसका डिज़ाइन ओपी बनाया गया यार, कुछ भी कहो यार, इसलिए इसको नंबर टू का स्पॉट डिजर्व करता है यार ये पोकेमॉन। इसका डिज़ाइन बहुत ओपी है, मतलब इसको मतलब हम टोर्टेरा से कंपेयर कर सकते हैं यार, थोड़ा बहुत ये टोर्टेरा जैसा दिखता है। मतलब जब मैंने इसको पहली बार देखा था यार, मतलब भाई ये क्या है, टोर्टेरा रिबॉन नहीं यार, मतलब कमाल का पोकेमॉन है यार, एकदम अमेजिंग है यार। सो मतलब अब इसके टाइपिंग के बारे में बात करता हूँ यार, तुम लोगों को लगा तो ये ग्राउंड टाइप होगा, रॉक टाइप होगा, सो नहीं है, ये वाटर और रॉक है, ठीक है। सो टाइपिंग भी ओके है, और इसका कलर स्कीम जो है यार, कलर स्कीम भी इसका बहुत ही ओपी है, इसका कलर स्कीम इसके ऊपर दिया वो भी ओपी है, और इसका भी कोई अभी इवोल्यूशन बताया नहीं गया है, और जब तक इसका इवोल्यूशन बताएंगे यार, तब तक मतलब तब बता दूंगा यार तुम लोगों को, उसका ऊपर भी रिव्यू बना लूँगा। तो यार ये नंबर टू की स्पॉट डिजर्व करता है। सो जो नंबर वन की स्पॉट पे पोकेमॉन आता है यार, वो अब तक का, जी हाँ, ड्रिडनो के बाद भी, मेगा इवोल्यूशन के बाद भी, जो भी मेगा इवोल्यूशन है उसके बाद भी यार, जो अब तक देखा हुआ है मैंने यार, सबसे खतरनाक ओपी पोकेमॉन है। सो इसका नाम है क्रोवनाइट। दोस्तों यार एक नाइट पोकेमॉन कह सकते हो यार, एक कौवा इतना ओपी कैसे दिख सकता है। ये है ही फ्लाइंग और डार्क टाइप, और गाइज ये बहुत ही ओपी पोकेमॉन है यार। इसकी जो डिज़ाइनिंग की है ना यार, मतलब इतना, मतलब थैंक्स बोलना चाहता है यार पोकेमॉन वालों को, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया तुम लोगों ने भाई, एक चीज़ बहुत अच्छी की है लोगों ने यार। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ यार गैलार रीजन के लिए, कि इसे एक राइड पोकेमॉन की तरह बोलने वाले, इसे एक राइड पोकेमॉन कहने वाले, यानी कि तुम अगर गेम्स खेलोगे तो यार तुम इसके ऊपर से राइड करके किधर भी जा सकते हो। तो और एक डिलीवरी पोकेमॉन या फिर मेल पोकेमॉन ऐसे कह सकते हैं, मतलब एक पोकेमॉन इतना अच्छा कैसे दिख सकता है, एक कौवा क्रोनाइट। और इसका नेमिंग भी बहुत ही ओपी है, और इसका क्या कहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताना यार कमेंट सेक्शन में, तुम लोग ज़रूर बताना कि तुम्हें क्रोनाइट का डिज़ाइन, उसका टाइपिंग और उसका स्टाइल तुम्हें कैसा लगा। और बस यार आज के वीडियो में बस इतना ही, यही थी मेरी पूरी लिस्ट टॉप 5 पोकेमॉन ऑफ गैलार। अगर तुम लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और गाइज भले मैं कुछ दिन मतलब बहुत लेट वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ यार, बट उसका कारण है यार मेरे एडमिशन, तो यार उसमें मैं बहुत गंदा वाला फंसा पड़ा हूँ यार, कतई तबाही वाला फंसा पड़ा हूँ। तो मतलब उसमें से भी बहुत टाइम निकाल के वीडियो बनाया हूँ यार ये वाला, तो प्लीज़ लाइक कर देना। लाइक एम रखता हूँ यार, बहुत दिनों बाद वीडियो डाला हो, तो बहुत छोटा लाइक एम रखता हूँ, 150 लाइक्स का मुझे पता है तुम लोग कर दोगे। और कमेंट करके बताना यार मेरे को कि कैसा लगा वीडियो और ये लिस्ट, और तुम्हें अगर तुम्हें इस लिस्ट में कोई मतलब चेंजेस करना है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, तुम लोग को कैसी लिस्ट चाहिए थी और कौन सा पोकेमॉन कौन से स्पॉट पे होना चाहिए था। सो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अगर तुम लोग को लगता है कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में टॉपिक सजेस्ट करना, और अगर मेरे को उस वीडियो पे टॉपिक बनाना है, मतलब टॉपिक पे वीडियो बनाना है, सो मैं तुम्हें शाउट आउट भी दे दूंगा उस वीडियो में। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक है मैं 150 लाइक्स का। सो बाय।